14 फरवरी 2019 अ ब्लैक डे फॉर इंडिया। जम्मू कश्मीर में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में लगभग 3:15 शाम में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश भर में सन्नाटा ही सन्नाटा है और एक देशवासियों में सिर्फ गुस्सा। 14 फरवरी 2019 को CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का काफिला कन्वॉय ऑफ 78 व्हीकल्स जिसमें कि 2500 के लगभग जवान थे जो कि श्रीनगर से जम्मू NH44 से जा रहे थे श्रीनगर से जम्मू। बीच रास्ते में लगभग 3:15 शाम के आसपास पीछे से एक गाड़ी आई जिसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि 350 किलो RDX था या फिर कुछ लोग बता रहे हैं कि अभी जो रिसेंट जो न्यूज़ आई है उसमें बताया गया है कि 60 किलो RDX था। कोई बता रहे हैं कि स्कॉर्पियो था, कोई बता रहा कार था। वो पीछे से आया और एक बस में जाके टकरा गया। बस के चीथड़े उड़ गए जिसमें कि 40 जवान शहीद हो गए। बहुत सारे जवानों को गोली भी लगी है और बहुत सारे जवान अभी भी अपनी मौत से लड़ रहे हैं हॉस्पिटल में। बहुत सारे खबरें ये भी बता रही हैं कि अभी भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस हैं हमारे जवानों की। कल जैसे मैंने ये वीडियो देखा, आई वॉज टोटली नम। मैं रोड पर था, मैं 1 घंटे रोड पर बैठा रह गया। घर आया, सवाल मन में बहुत हैं, अभी भी हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ गया गुस्सा। इस वीडियो को बनाते वक्त भी मुझे गुस्सा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता अभी। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो कि पावर में हैं, ऑपोजिशन में हैं या फिर कहीं भी हैं, जो भी लीडर हैं, बहुत सारे फैसले उन्होंने लिए ले रहे हैं, मुझे मतलब नहीं है ना, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा वो सब। इस वीडियो को बनाने का मोटिव मेरा सिर्फ एक है, आप, हम, हमारे जितने भी देशवासी हैं, हम क्या कर रहे हैं। बचपन से देखते आया हूँ मंत्रियों का जब भी रोड पे काफिला निकलता है, उनके गाड़ी के 10 गाड़ी आगे और 10 गाड़ी पीछे हमेशा रहता है। उनके पास जैमर होता है ताकि कोई रिमोटली उन पर अटैक ना कर दे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कहाँ गई वो सिक्योरिटी उन लोगों की जिन्होंने कल देश की सेवा करने में शहीद हो गए। उनकी सिक्योरिटी की बात कहाँ आई जो हमारे सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठा के दिन रात बिना खाए पिए बॉर्डर पे रहते हैं, हमेशा हर एक जगह वो तैनात रहते हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए। कल हालांकि मैंने पढ़ा था कि अगर भी कोई भी बड़ा काफिला निकलता है तो प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा मिलती है। मैंने ये भी सुना था कि एयर प्रोटेक्शन भी मिलती है, लेकिन कल कुछ नहीं था। जिस रोड पे वो जा रहे थे वो रोड 2-3 दिनों से बंद पड़ा था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी और 14 फरवरी को ही वो रोड खुला था और उसी दिन अटैक हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ गई वे सिक्योरिटी जो मंत्रियों का, हमारे देश के मंत्रियों को मिलता है। लोग बोलते हैं कि वो बहुत बड़े लोग हैं तो उन्हें सिक्योरिटी मिलता है, लेकिन सबसे बड़े लोग तो वो हैं जो कल शहीद हो गए, जो हमारी देश की सेवाएं करते करते, हमें प्रोटेक्ट करते करते कल। बहुत गुस्सा है मन में, सवाल तो मत पूछिए कितने हैं सवाल। कल से मैंने बहुत सोशल मीडिया साइट्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, इवन इन माई इंस्टीट्यूट एज वेल, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तरह तरह के अपने अपने नारे लगा रहे हैं, लेकिन क्या ये काफ़ी है? मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मुझे नहीं लगता। दोस्तों, इट्स टाइम टू चेंज नाउ, इट्स टाइम टू हेल्प टू दोज फैमिली हु लेट देयर सन, हस्बैंड्स, ब्रदर टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ। मुझे पता है बहुत लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत लोग ये वीडियो स्किप कर देंगे, बहुत लोग ये वीडियो देख के छोड़ देंगे, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर फ़र्क पड़ता तो हर बार की तरह मैं आपसे पूछता कैसे आप लोग, सब्सक्राइब करने के बोलता, चैनल लाइक करने के लिए बोलता, कुछ नहीं बोलूँगा आज मैं। गुस्सा बहुत है, गुस्सा इतना है कि अगर आज अभी मुझे पता चले कि कौन है वो लोग, अगर उनमें से कोई भी एक इंसान अगर मेरे सामने आ जाना, मैं
हाथों से चीर के रख दूंगा उसको, इतना गुस्सा है अभी। अगर मैंने ये भी कर दिया ना तो मेरी माँ मेरे पे बहुत ही गर्व करेगी। मन तो कर रहा है कि हर एक उस इंसान को जो इंसान इस हमले में शामिल थे जिंदा जला के रख दूँ अभी सरेआम। फ़र्क नहीं पड़ता मुझे किसी भी केस का, या फिर कोई भी मुझे कुछ भी कर दे, देख लूँगा मैं। लेकिन मन तो ऐसा ही कुछ कर रहा है। मैं इस वीडियो के जरिए किसी को पोक नहीं कर रहा हूँ या किसी को इंस्टिगेट नहीं कर रहा हूँ, बस अपना गुस्सा दिखा रहा हूँ और क्या करने का मन है वो दिखा रहा हूँ, वो बता रहा हूँ आप सभी को। कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट सम्मान मुझे भी है, बट क्या करूँ, गुस्सा इतना ज़्यादा है कि कुछ दिख नहीं रहा। अभी देखा नहीं जा रहा उन शहीदों के घर वालों को। अभी मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा था, 15 दिन की एक बच्ची का बर्थडे मना के वो जा रहे थे। मैंने न्यूज़ में ये भी पढ़ा कि कुछ की अभी शादी हुई है, जिनकी शादी होने वाली है वो शहीद हो गए। क्या गुजर रही है उनके फैमिली वालों पे, नहीं देख पा रहा हूँ मैं। अगर आप भी मेरे साथ या अलग या कैसे भी कुछ कर सके तो कीजिए, अभी के अभी कीजिए ना, क्यों नहीं करते हैं आप। वीडियोस बनाएं जितना से ज़्यादा, जितना आप लिख सके पीएमओ को, आप डायरेक्टली पीएमओ को लिख सकते हैं, लिखे राइटिंग्स लिखे उनको। और अगर इससे भी ज़्यादा आपको करना है, मार्च करे, कैंडल मार्च करे, जो करे वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन मेरे लिए, मैं जानता हूँ, मैंने भी कैंडल मार्च बहुत करा है, कॉन्ट्रीब्यूट मैं नहीं कर पाता था उस तरीके से। वीडियोस बनाएं, पीएमओ को लिखें। नेशनल डिफेंस फंड एक वेबसाइट है जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी फोर्स, जो भी सीआरपीएफ या फिर जो भी बीएसएफ, जो भी हमारे डिफेंस के जो भी फोर्सेस हैं, उनको फ़ंड हम लोग दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं उनके फैमिली वालों को। अगर आपको फ़ंड करना है, डोनेट करना है, उस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं उनके फैमिलीज़ को जो अभी सफ़र कर रहे हैं। फ़ंड आप 1 रुपये से लेके 500, जितना भी आप कैपेबल हैं उतना आप कर सकते हैं। फ़ंड कैसे करेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इजीली फ़ंड कर सकते हैं, ताकि कुछ हेल्प हो जाए हमारे उन भाइयों के घर वालों को जो अभी पता नहीं किस सर्कमस्टांस से अभी गुजर रहे हैं वो। मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम मास को यूनाइट कर सकते हैं, अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग आज अपना कंसर्न वीडियो ना बनाएं, और वीडियो बनाएं उस चीज़ पे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके ये बात कि हम किस वे में अपने उन शहीद भाइयों के फैमिलीज़ की मदद कर सकें। इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर कंसर्न वीडियो, आज प्लीज़ आप वो वीडियो ना बनाएं और वीडियो बनाएं उन चीज़ों पे, हमारे यूथ को मोटिवेट करें, एक यूनाइट करें हमारे यूथ को, और बताएं उन्हें कि हम इस फील्ड में इस तरीके से हम उन शहीद भाइयों के फैमिलीज़ को मदद कर सकते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स हमारे पावर में हैं, जो अपोजिशन में, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी बनती है कि हम इस तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं। आज हम इस वक्त एकजुट इस तरीके से हो जाएं कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि पावर में है, जो कि अपोजिशन में है, उनसे खास करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वो वीडियोज़ देखे, ये वाला मैं चाहता हूँ कि वो ये वीडियोस देखें, और उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज किसी भी तरह से इस मैटर पे पॉलिटिकल इश्यूज ना बनाए, पॉलिटिकल डिबेट्स ना करें, मीटिंग्स ना करें, एक्शन ले एकजुट होके सारे लोग, और ऐसा कुछ करें जिन्होंने ये सब जो प्लान करा है, जिन्होंने एग्जीक्यूट करा है ये चीज़ आज जो हुआ हमारे देश में, उनकी रूह तक डर जाए और उनकी रूह तक को पता चले कि उन्होंने बहुत गलत करा है। लेकिन ये सब तभी होगा जब हम एकजुट मिलके काम करेंगे। बोलने की बातें, करने की बातें, वो सब अलग, लेकिन आज अगर आपने किया तो मुझे लगता है कि आपने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अपने कंट्री के लिए करा है। इतना करे कि जिन्होंने ये चीज़, ये जो हमला करा है ना,
उनकी रूह तक डर जाए और वो भी सोचने लगे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती। आपके पास सब कुछ है, पावर है, सब कुछ है, मशीन्स हैं, गन्स हैं, मिसाइल्स हैं, सब कुछ है। कीजिए आज कुछ और इस तरीके से करें जिन्होंने ये सारा जो प्लान करा, एग्जीक्यूट करा, उनको पता चले कि उन्हें सजा नहीं दी जा रही है, उनसे हम बदला ले रहे हैं। आज जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ शेयर ना करें, लाइक ना करें, कुछ नहीं करें, लेकिन आप खुद से, अपने से, खुद से एज इंडिविजुअल ऐसा कुछ करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हो जाए, यूनाइट हो जाए और इस तरीके से अपने सोशल मीडिया साइट्स पे, अपने राइटिंग्स के थ्रू, अपने डोनेशंस के थ्रू, एनी मीडियम किसी भी तरीके से मदद करें हमारे शहीद भाइयों के फैमिलीज़ को। इस कदर आज हम एकजुट हो जाएं ताकि जिन्होंने ये सब जो प्लान करा है वो आज के बाद से एक दिन भी सांस तक न ले पाए और उन्हें पता चले कि भारत हमारा देश है। भूलेंगे नहीं हम, गिन गिन के बदला लेंगे। वी विल नॉट फॉरगेट एंड विल नॉट फॉरगिव यू जिन्होंने ये करा है। जो भी हमारे भाई, जो भी हमारे मित्र जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज उस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नथिंग, मैं कुछ रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। बस एज ए इंडिविजुअल, एज ए पर्सन, एज ए इंडियन, आप आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज ना ईगो नहीं हर्ट हुआ है, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गया आज, अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो। आप कुछ भी करें, अपने पर्सनल लेवल पे कैंडल मार्च करें, जो भी करें, लेकिन मैंने जो मीडियम बताया है, डोनेशन वाली जो मैंने जो चीज़ आपको बताई है, उसके थ्रू यू कैन कंट्रीब्यूट अ बिट टू देयर फैमिली हु नीड आवर हेल्प। बहुत ज़रूरत है उन्हें हमारी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भाइयों, आज हमारे देश को हमारी ज़रूरत है।